और हम लोग तब उस वक्त फोर्थ में मैंने तीन चेने पहन के जाता था। मेरे सबसे महंगा गिफ्ट मैंने एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसको किया, जैगुआर गिफ्ट किया। स्कूल टाइम में हाँ जी जीप चाहिए था, साला इनके पास ऑडी भी और बॉडी भी। तो सन्नी भाई हाँ। बंटी भाई सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहते हैं आपसे कि गोल्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये हमारे शुरुआत से बचपन से, मुझे लगता है पूरा कंट्री हमारा जानना चाहता है कि पहली बार आपने गोल्ड का मतलब ये शौक कहाँ से लगा आपको? ये बंटी भाई सेवेंथ में थे, एट्थ में थे और मैं फोर्थ में था, तो बंटी भाई मेरे से पहले बंटी भाई पहनते थे और हम लोग तब उस वक्त फोर्थ में मैंने तीन चेने पहन के जाता था, छोटे छोटे चेने, मतलब ज्यादा नहीं, एक दस दस तोला होगा वो, दोस्ती कब से, दोस्ती के बारे में कुछ बताओ आपकी, मतलब दोस्ती फेमस है जहाँ भी भाई फोटो देखेंगे आपके साथ ही साथ, मतलब दोनों ऐसा लगता है कि वो कहते हैं बिल्कुल भाई भाई वाली बात है, बिल्कुल दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? वो मेरे बड़े मासी का लड़का है, दोस्त जैसा नहीं थे, तो हम लोग की दोस्ती क्यों हुई, ज्यादा हम लोग क्लोज क्यों हुए, मेरे को लेना था जीप लेना था ऊपर। अच्छा। और बंटी भाई रहते थे थोड़ा दूर चिंचोड़, मैं रहता था पिंपरी में, तो फिर बंटी भाई से पहले बार में एक मेरे दोस्त ने मिला है, उनका नाम उल्लास कोकने। अच्छा। हाँ, तो जब हम लोग रिलेशन में ही थे, पर गाड़ी लेना है मुझे, गाड़ी लेना है मेरे को, जीप चाहिए, ओपन जीप, तब बहुत क्रेज था। आज से कितने साल पहले की बात होगी भाई? तो आज अब छह की, मतलब 15-16 साल, स्कूल टाइम से, स्कूल टाइम में हाँ जी जीप चाहिए था कि स्कूल। अच्छा। को जाने के लिए मुझे ओपन जीप चाहिए, उसके टायर बड़े होने चाहिए, वो दिल्ली में मिलता था। हाँ, दिल्ली में तब आप लोग आ नहीं सकते थे, छोटे थे, तो बंटी भाई के पास तब था जीप, ओपन जीप। तो फिर मैं बंटी भाई को बोला, नहीं बंटी भाई मेरे को जीप चाहिए, तो बोला लेके जा, तो फिर मैं वो लिया, तो फिर हम लोग बात करते करते दोनों का अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा है। बचपन से आप भी है ना, वैसे बचपन से थे, मतलब घूमना। अच्छा। शौक स्टार्टिंग सब कुछ इसका, मेरे को स्क्वाड रख के गया, मतलब बचपन से आता, लेकिन वो टाइम में कैसे सोशल मीडिया नहीं था और रिलेशन में थे हम, मतलब मौसी के लड़के कोई जाता नहीं इतना। अच्छा। जो अपना अपना काम के पास आते, छोटे भी थे, छोटे भी थे, मतलब वो अलग रहने को था, मैं अलग में स्कूल के अपने यहाँ के जो फ्रेंड लोग रहते थे वो रहते थे, लेकिन बचपन से हम ये डे थे, मतलब जो आपको जानते हैं ना बचपन से। टीचर का तो खुश होना ही था भाई, टीचर इतना खर्चा लो, गर्लफ्रेंड को कितना था, गर्लफ्रेंड को तो जो चाहिए वो देने पड़ता। पहला गिफ्ट मेरा सबसे महंगा गिफ्ट मैंने एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसको किया, जैगुआर गिफ्ट किया था। वो देख रहे होंगे अभी भी, वो देख रहे हैं भाई, मेरा जैगुआर वापस आ गया, अब तो सर भी देखेंगे, सर बोलेंगे मेरा सही नाम वो कर दिया, मतलब आप लोगों ने, मतलब कपिल भाई खींचते हो देखा सबकी, कपिल भाई इतने डाउन टू अर्थ थे। हम लोग वापस जा रहे हैं अभी। अच्छा। मैं नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में जाऊंगा मैं। अच्छा। जी कपिल भाई ने बोला भी कि सनी आप आओ, सर मैं रहूंगा, अब्दू रहेगा मेरे साथ, जितने भी बॉस के कंटेस्टेंट हम लोग सब लोग जाने वाले। अब्दू की तो क्यूटनेस बहुत, वो इतना प्यारा बच्चा है ना, इतना प्यारा, जैसे हम लोग ने, आपने देखा भी होगा कि हम लोग बिग बॉस गए, तो अर्चना मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, 2016 से मेरी दोस्त थी उसकी और मेरी, वो भी दिल्ली से है, मेरिट से है। अच्छा। तो मैंने वो एक्चुअली देखो वो गेम में है, राइट, ये सब कंटेस्टेंट है, पर अर्चना उसके लिए स्पाइसी खाना बना रही थी अब्दू के लिए। हाँ। तो मैंने बोला यार वो मेहमान है अपना, और वो बेचारा स्पाइसी नहीं खाते, क्योंकि वहां के लोग, दुबई के लोग स्पाइसी खाते, दुबई के लोग ना उतना स्पाइसी नहीं खाते, तो मैंने उसको बोला यार ठीक है गेम का, गेम तक रख, पर वो अपना मेहमान है, और वो बोला ठीक है ना, वो तो कंपटीशन हर चीजों में बोला, पर खाने में उसको ये मत करने का, तो स्पाइसी खिला। तो मैं जब गया तो वो अब्दू को, उसके बाद हम लोग कल भी उसने इंटरव्यू में बोला, मेरे एक छोटे से न्यूज चैनल था, उसको बोला कि सनी भाई जब आए
तो अर्चना, क्योंकि अर्चना सबका खाना बनाती है भाई, मजाक नहीं है। 20-15 लोगों का एक टाइम पे खाना बनाना, मतलब 60 चपाती और राइस जो भी वेजिटेबल वो बनाती, बहुत मेहनत का काम है। मैंने खुद अर्चना को बिग बॉस के घर में देखा कि बनाते हुए देखा, मैंने खुद उसको हेल्प भी किए। तो मैं अर्चना को बोला यार वो अब्दू को है ना प्लीज स्पाइसी, क्योंकि है ना बहुत उसका पेट का एसिडिटी हो रहा था और बार बार उसको फिर पेट फिर आवाज निकलेगी फुई फुई। तो उसको अर्चना को मैंने बोला यार अर्चना मत कर ऐसा प्लीज, वो छोटा है बहुत क्यूट है। वो बोली नहीं वो मेरे कॉम्पिटिटर। मैं बोला देख खाने से मत कॉम्पिटिशन कर, खाने का उसमें उसका कुछ नहीं। तो फिर अर्चना ने मेरी बात सुनी, सबसे ज्यादा खुश हुई अर्चना की। मैं वो घर में सबसे ओल्ड फ्रेंड होगी तो वो थी मेरी। सलमान भाई को देख के मेरी जिंदगी में किसी की फटती नहीं, लोगों की मेरे को देख के फटती, पर पता नहीं मेरे को सलमान भाई को देख मेरी फट जाएगी। सलमान भाई का बहुत प्यार करते, सलमान भाई का तो नाम ही अलग है, बहुत टशन में रहते हैं। और उनके उम्र में हम लोग रहे या नहीं रहे, वो आज भी मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है भाई कि कम से कम मैंने जो देखा है 12-13 घंटे खड़े रहते हैं, बैठते नहीं वो चेयर पर। उनका नेचर कैसा है? बोलते गुस्से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं। वो तो आप है, नहीं वो अच्छा। बहुत प्यारे, वो बहुत डांट होते हैं, वो सब कुछ समझ के लेते हैं संदीप भाई, क्योंकि उन्होंने इतनी दुनिया देखी है ना, तो सबको हैंडल करते हो। अब आप वहां भी रह भी आए बिग बॉस का, उसमें आपको लगता क्या है कौन जीतेगा वहां? देखो अभी फेमस तो इंस्टाग्राम पे आपको भी पता है, सबको पता है MC Stan, पर MC Stan को वहां पे रहना नहीं, आप लोगों को भी पता है। वो बहुत रोया मैं जाने के बाद, उसको लगा कि यार मैं अपन रहने बनती यहाँ पर, मतलब मैं जब से एंट्री मारा तब से उसकी खुशी आई। सुसाइड करने का बोला था स्टैन को, बोला देख स्टैन तेरा बहुत नाम हुआ है बाहर, मैं चाहता हूँ तू जीत जाए, पर मेरी दोस्त अर्चना भी है, शालिक भी है, मैं पर मैंने जा देखा पूरे घर की बात, आप लोगों भी आप लोग अगर ठीक से देखोगे ना तो मुझे अर्चना अच्छी लगी, क्योंकि वो दिमाग से नहीं खेली, वो दिल से खेली, जो है गांव की लड़की वो नेचुरल। और शिव मेरा दोस्त है, वो बिग बॉस का उसकी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया था शिव ठाकरे के, तू जाएगा बिग बॉस, और मैं गया भी। तो शिव ठाकरे विनर भी है मराठी बिग बॉस का और अभी गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को चांस मिलना चाहिए, शिव को भी मिलना चाहिए। तो शिव को तो ऑलरेडी मिला है मराठी के लिए, तो मैं ऐसे चाहता कि अर्चना अभी ये खेल रही है, मतलब माइंड से कुछ भी नहीं, जो दिल में है और दिल पे ही है वो। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं हमें क्या सनी भाई यार इतना बोल्ड पहन के घूमते हो, हाँ दोनों भाई इतने बॉडीगार्ड, इतनी गाड़ियां सोने की रहती है आपके साथ। तो उन सबको मैंने बहुत सारे शोज पे भी बोला है, कपिल शर्मा शो में भी हम लोगों ने वहां पे जाके तो लॉन्च किया था। यहाँ पे होटल का एनजीओ किसी को 1 रुपए की मदद नहीं करती है, सबसे पहले खाने के लिए आप बहुत मदद करती है, किसी का भी कुछ भी हो तो खाना और हॉस्पिटल का हो मेडिसिन हो तो उसके लिए कभी भी फोन कर रही है आप लोग। बाकी चीज के लिए अगर घर चढ़ाना है आप खाने से रिलेटेड, हॉस्पिटल के रिलेटेड जो कुछ भी हेल्प लगे गोल्डन गाइस एनजीओ करेंगे, और एवरी डे गोल्डन गाइस एनजीओ के तरफ से लोग 300 लोग खाना खाते है। ये कोरोना अभी आया है, 2016 में कपिल शर्मा शो में कपिल पाजी ने हमें लॉन्च किया था गोल्डन गाइस एनजीओ, वो अब तक चालू है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि अभी 300-400 लोग खा रहे, पर मेरा ऐसा ड्रीम है कम से कम 3-4 हजार लोगों को मैं एवरीडे खाना खिला सकूं, इतना ही ताकत दे भगवान। और ये हम लोग हमारे पॉकेट मनी से कर रहे हैं, ये लाखों में भी पहुंच रहा है, हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, जो भी कर रहे हैं हमारे जेब से करते, आपको लगा करना है कर देते, और दूसरी बात ये हम वो दिखाते नहीं जो जितने भी अभी लोग आए वाली क्या कुछ लोग दिखाते हैं ये करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने डाला था एक बार तो मुझे बहुत से
कमेंट्स आए, सनी भाई मेरी वाइफ ने सुसाइड करने वाली है, आप मुझे घर घर बसाना है, मुझे पैसे दो। तो हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते, आपको खाने खाने से हॉस्पिटल का, वो भी पुणे में, दिल्ली में या पूरे इंडिया में नहीं करते, हम लोग खाली पुणे में करते हॉस्पिटल के लिए मदद। तो हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे डीवाई पाटिल हॉस्पिटल, उसके ओनर है यशराज पाटिल, वो मुझे हेल्प करते हैं वहां पे। गोल्डन गाइस एनजीओ की तरफ से गए पेशेंट, तो उसको फ्री होता है पूरा ट्रीटमेंट। और एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि आप भी लोग जो हमें मैसेज करते हैं, ऐसे हमारे जैसे भी और मार्केट में बहुत लोग है पॉलिटिशियन है, उनको भी बोलो, उनको भी मैसेज करो। हाँ, वो तो हमसे भी ऊपर चलते है बिल्कुल। हम खाली जो है हम वो दिखाते, हम छुपा के कुछ नहीं रखते। तो मैं ऐसा लगता कि यार जो हुआ वो दिखाओ बिल्कुल लोगों को कुछ। और बिजनेस किस चीज का था स्टार्टिंग में? पापा का सबसे पहले स्टील का था। अच्छा, पापा का आज भी स्टील का ही काम है पापा का। मुझे रेंट है यार, रेंट का है, होटल से हमारे कंस्ट्रक्शन का है। अच्छा, और मैं भी खुद भी फाइनेंस करता हूँ मूवीज वगैरह, मैं खुद भी हम लोग कर रहे हैं, अभी खुद मूवी कर रहे हैं हम लोग दोनों भी। अच्छा, सॉन्ग्स भी कर रहे हैं हम लोग साथ में। तो पैसे आता ही था पहले से, था पैसा, ऐसा नहीं हिसाब के रखता है पापा ने, इतना खर्चे हो गए। लेकिन हम दोनों का भी ड्रीम है, जितना एक दिन उनको कितना हो गया 17.5 करोड़, ये 50 करोड़ लोग सुकून से रो। डैडी के पास सनी के हिसाब है आज तक तेरे पे कितना खर्चा किया, आज तक आज बचपन से लेके आज तक उनका हिसाब है। दुश्मन भी रहे अगर आप उसके पैर पड़े ना, वो बोलेगा ना तू बर्बाद हो, वो क्या बोलेगा? तुम्हारे पापा बड़े है इसलिए उसके पैर पड़ते हैं। हम हाथगाड़ी वाले के घर पे गए ना, उसके बाप के पैर पड़ते। लोगों की ऐसी समझ होती है ना कि अभी कुछ कुछ लोग है अपने से ऊपर है तो बोलो, हम भाई तुम्हारे घर आए, तुम्हारे डैडी मम्मी है, किसी भी और नॉर्मल पीपल है, रिस्पेक्ट है यार। और उनके ब्लेसिंग लगते, बड़े लोगों के नहीं लगते ब्लेसिंग। मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो थोड़ा सा वैसे लोग हैं जो ज्यादा पैसा जो नहीं देखा होता है, उनको लगता है कि जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। ये भाई एक बार बोलूं क्या, जिसके पास पैसा नहीं है ना, जो नॉर्मल लाइफ जीता है ना, जो मॉर्निंग में काम करता है, हम जिम जाते थे 13-14 को, हमारे दोनों की बॉडी थी, मतलब मैं तब 106 था, फैटी पुलाई सा। अच्छा, और भाई तो मोटा है, भाई तो 65-70 के शार्प था, मतलब लीन आई से बॉडी थी उसकी। मतलब मैं अभी बॉडी बनेगी, फिर जिम लगाया हमने, मैंने भी एब्स लगाए, ये 106 हो गए और ये 75 हुआ, ये 75 लीन में हो गया। तो लोग हम जिम का स्लोगन था, हम जिम 25 किलोमीटर जाते थे। अच्छा, घर से दूर और जिम जाने का हमारा रोज का 1000 रुपए का खर्चा था 13 को जाने आने का। तो हम जहाँ जिम को जाते थे ना, वहाँ पूरा आईटी क्राउड जिम को आने का। अच्छा, तो उनका स्लोगन था साला इनके पास ऑडी भी और बॉडी भी। लोगों के पास ऑडी है लेकिन बॉडी बॉडी नहीं है। सही बात।